हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको पता होगा कल OB45 अपडेट आ चुका है और मेरी वीडियो भी आ चुकी है बेस्ट सेटिंग के ऊपर OB45 के लिए। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल और पीसी दोनों की सेटिंग बताने वाला हूँ जो मुझे लग रहा है अभी सही चल रही है। मुझे बहुत टाइम नहीं मिला इसको टेस्ट करने के लिए, एक ही दिन पहले ये रिलीज हुआ है अपडेट, बट कुछ सेटिंग मैंने यहाँ पे की जिससे मेरे हेडशॉट अच्छे लग रहे हैं ये वाले अपडेट में। तो वही सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हम लोग मोबाइल सेटिंग से, उसके बाद मैं आपको पीसी की सेटिंग बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोन के स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आपको इन गेम सेटिंग दिखा देता हूँ मैं। तो मैं थोड़ी सी हाई सेटिंग पे खेलना पसंद करता हूँ, इसलिए जो मैंने जनरल है वो 150 से ज्यादा रखी हुई है, 156 के आसपास रखी हुई है। उसके बाद जो रेड डॉट है आपको 100 से थोड़ा सा ज्यादा रखना है, 110 120 भी रख सकते हो आप लोग। उसके बाद जो 2x स्कोप है उसमें आपको और ज्यादा थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ता है, तो उसको आपको और ज्यादा रखना है। और उसके ऑपोजिट 4x स्कोप है उसमें थोड़ा सा आपको कम ड्रैग करना होता है, तो आपको 10-20 उसका कम अमाउंट रखना है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे 90 रखा हुआ है। और लास्ट में मैंने स्नाइपर स्कोप डिफॉल्ट रखा हुआ है जो कि है 15। सेंसी के बाद अगर हम लोग डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड और हाई रखा हुआ है। और नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन आपको ऑफ रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फोन सेटिंग्स की। तो सबसे पहले आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में, और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था OB44 अपडेट के बाद आपको DPI यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपको इन गेम में 200 सेंसी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट DPI जो मेरी फोन की है 392 वही यूज करता हूँ। बट अगर आपको बढ़ानी है तो आप लोग 400 कर सकते हो, यार मैक्स टू मैक्स 450 भी कर सकते हो, उससे ज्यादा यहाँ पे DPI बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी सेंसी कम है तो आपको गेम से बढ़ानी है, क्योंकि आपको पता है जितनी आप लोग DPI बढ़ाओगे उतना फोन को डैमेज होगा। तो मिनिमम डैमेज के लिए आपको मिनिमम DPI बढ़ानी है और जो इन गेम सेंसी है उसको बढ़ानी है, ठीक है। लेकिन भाई आगे बढ़ने से पहले सनी लियोन है यहाँ। जी हाँ, सही सुना आपने, सनी लियोन है यहाँ। मैं लेके आ गया एक खास अनाउंसमेंट जी ट्विन, जो कि है इंडिया का सबसे विश्वसनीय गेमिंग प्लेटफॉर्म। और एक बात, जैसे ही आप लोग यहाँ पे साइन अप करोगे आपको 500 रुपीज का फ्री बोनस मिलेगा और साथ ही साथ आपको 5 फ्री स्पिन्स मिलेंगे जिससे आप लोग जीत सकते हो अप टू 10,000 रुपीज। तो अभी स्टार्ट करो अपनी विनिंग जर्नी और यहाँ पे आप लोग अपने दोस्तों को रिफर करके भी पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है सबसे इंस्टेंट रिवॉर्ड्स और साथ में मिलता है आपको इंस्टेंट डिपॉजिट और जीते हुए पैसों का इंस्टेंट विड्रॉल। और आपके लिए 24/7 कस्टमर सर्विस तो है ही। तो दोस्तों देर किस बात की, साइन अप करो मेरे कमेंट में दिए हुए लिंक से और सनी लियोन के साथ जीतो। इसके बाद यहाँ पे एक और सेटिंग है जो इम्पोर्टेंट है इस अपडेट में, जो कि है गेम ड्राइवर प्रेफरेंस। इसमें आपको फ्री फायर में जाके गेम ड्राइवर पर सिलेक्ट करना है, नॉर्मली वो डिफॉल्ट पे रहता है, तो आपको उसको चेंज करके गेम ड्राइवर कर देना है। इससे आपकी ओवरऑल गेम स्मूथ हो जाएगी और आपके हेडशॉट भी स्मूथ लगेंगे। तो ये हो गई हमारी फोन सेटिंग कंप्लीट। इस बार आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अपडेट में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, तो जो पहले वाली सेटिंग वो अच्छी चल रही है अभी भी। तो अब हम लोग चलते हैं पीसी सेटिंग की ओर। तो यहाँ पे मैं मेरे पीसी के अंदर आ चुका हूँ और जो मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे BlueStacks 4 पे खेल रहा हूँ, आप लोग वर्जन देख सकते हो। और मैं आपको इन गेम सेटिंग भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जनरल बहुत टाइम से बहुत अपडेट से 2 ही रखी हुई है, और मैं भी आपको हमेशा रेकमेंड करता हूँ आपको जनरल 10 से ज्यादा नहीं रखनी है आपके पीसी के अंदर। उससे अगर आप लोग ज्यादा रखते हो तो आपका एम ट्रेवल हो सकता है, एम शेक हो सकता है। तो अगर आपको प्रिसाइज एम चाहिए तो आपको इसको 10 से कम रखना है, मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे डेड डॉट 2x 4x जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो मैंने फोन पे रखा है, सेम टू सेम वैसा पीसी पे रखता हूँ। रेड डॉट यहाँ पे 100 से थोड़ा ज्यादा है, 111 है। उसके बाद 2x उससे भी थोड़ा ज्यादा है, 120 के आसपास है। और 4x है उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है, वो है 92। और जो यहाँ पे स्नाइपर स्कोप है वो डिफॉल्ट ही है, 15 पे रखा हुआ है मैंने। उसके बाद इम्यूलेटर की सेटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मेरे इम्यूलेटर की सेटिंग रखी हुई है 1.95x की सेटिंग, वाई मैंने थोड़ी सी कम कर दी एज कम्पेयर टू प्रीवियस अपडेट। और OB44 में मैंने 1.8 या फिर 2BY रखता था, बट इस अपडेट में मैंने 1.4 कर दिया है। और कम क्यों कर दिया है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ट्विक्स जो मैं प्रीवियस अपडेट में यूज कर रहा था वही यूज कर रहा हूँ, 2880-21058। ये ट्विक्स अभी भी बहुत अच्छी चल रही है, और इससे बेटर अगर आपको कोई लग रहा है ट्विक्स चल रही है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं ट्विक्स वाले वीडियो में अपडेट कर दूंगा उसको, ठीक है। और फिर गेम पेड सेंसी मैंने यहाँ पे 100,000 रखी हुई है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया, जैसे मैंने आपको बताया OB44 अपडेट और OB45 अपडेट में सेंसी में ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया इन लोग ने, तो हमको भी यहाँ पे सेटिंग में कुछ इतना ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने वाई इतना कम क्यों कर दिया है। तो मैं लास्ट कुछ दिनों से यहाँ पे रॉ एक्सेल भी यूज कर रहा हूँ इन सेटिंग के साथ, और रॉ एक्सेल काफी अच्छा वर्क कर रहा है और इस अपडेट में भी काफी अच्छा वर्क कर रहा है। मैं आपको रो एक्सेल की भी सेटिंग दिखा देता हूँ। तो मैं करंटली यहाँ पे रो एक्सेल में ये सेटिंग्स यूज कर रहा हूँ। सेंस मल्टीप्लायर 1 है, वाई एन एक्स रेशियो यहाँ पे 1.6 है, ग्राफ यहाँ पे लीनियर रखा हुआ है, गेन को टिक किया हुआ है, एक्सेलरेशन मैंने बहुत ही कम रखा है, 0.007 रखा हुआ है मैंने, मतलब बहुत ही कम एक्सेलरेशन होगा बट होता जरूर है और इसकी इफेक्ट बहुत आपको दिखती है। इसके बाद कैप टाइप आउटपुट है, कैप आउटपुट 2 है, इनपुट ऑफसेट 5 है, और आपको ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा अगर आप लोग सारी सेटिंग करेक्टली एंटर करते हो। अब आपको नहीं पता रॉ एक्सेल क्या है, कैसे यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है।
मैं उस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो ये कैसे वर्क करता है और कैसे इससे बेनिफिट मिलता है आपको हेडशॉट मारने के अंदर। और उस वीडियो में आपको डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगी, तो आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो वहां पे जाके। और अगर आपको मेरा वाला फ्री फायर वर्जन डाउनलोड करना है, ये जो वर्जन मैं खेल रहा हूं ये नॉर्मल वर्जन नहीं है, X86 वर्जन है Amazon APK वाला, तो अगर आपको ये वाला वर्जन डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो की लिंक अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो वाली वीडियो, और वहां पे आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी जो आपको डाउनलोड करने में हेल्प करेगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।